कई बार करते हैं, और जब भी कभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है या फिर किसी एरिया का सर्वे करना होता है तो हम लोग रूटीन में उसका करते हैं। क्योंकि यहाँ पे उस दिन नमाज़ के बाद काफ़ी मात्रा में लोगों ने पथराव वगैरह किया था, तो हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया है कि ऐसे कौन से मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं जहाँ पर इस तरीके का पोटेंशियल है। तो उसी का सर्वे हम लोगों ने कल भी किया था और आज भी किया, और जितने भी मकान मालिक हैं जिनके यहाँ भवन निर्माण का कार्य चल रहा है या फिर किसी अन्य तरीके से उनके छत पे कोई भी सामान एकत्रित है, उन सभी को चिन्हित किया गया है और उन सभी को अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं और उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर, अभी तक कुल मुकदमे कितने दर्ज हैं? अगर आप अलग देखिए, पब्लिक के काफ़ी लोग हैं जिनकी गाड़ियों को जलाया गया है, पब्लिक के काफ़ी लोग हैं, वो लोग अब निकल के आ रहे हैं, और जो संख्या फ़िलहाल मुकदमे के, कुल 35 मुकदमे अब तक इसमें दर्ज हुए हैं। सर, कैजुअल्टी अब तक कितनी हो चुकी है? 3 कैजुअल्टी है जो हमारे पास रिपोर्टेड है, और 1 इन्फॉर्मेशन हमारे पास कल आई है, क्योंकि पहले उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास, लेकिन कल हमें जानकारी हुई है तो हम उसको भी ट्रेस करा रहे हैं। सर, आप इतनी शांति व्यवस्था के लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अब व्यवस्था कैसी है? देखिए, फ़िलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, ऑलमोस्ट पूरे मार्केट खुले हुए हैं। सुबह जो चूड़ी कारखानों में लेबर काम करती है वो भी 5-6 बजे सभी लोग गए हुए हैं, सभी कारखाने चल रहे हैं चूड़ी के, और हम लोग लोगों से बात भी कर रहे हैं और सभी लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने उपद्रव किया है, जिन लोगों ने फायरिंग की है, जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है, उनके हम लोग फ़ोटो और वीडियो जो अलग अलग माध्यम से हम लोगों को मिले हैं उनकी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, और ऐसे करीब 100 लोगों का हम लोगों ने कल भी एक पोस्टर जारी किया था और उनके चिन्हीकरण की प्रक्रिया लगातार हम कर रहे हैं। सर, लोगों में एक ये है कि अगर वो बताते हैं तो क्या उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल, हमने उस मैसेज में बिल्कुल क्लियर किया है। हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो उपद्रव करते हैं, जिन्होंने शांति व्यवस्था भंग की है। तो और काफ़ी लोग हैं जो अमन पसंद लोग हैं जो हमें सूचनाएँ भी दे रहे हैं। मेरे पास सुबह से 3-4 लोगों ने फ़ोन करके बताया कि साहब, इस नंबर पे जो व्यक्ति है वो ये है। तो हमारा काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और उन खराब और एंटी सोशल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करें जिनके कारण ये शांति व्यवस्था भंग हुई। थैंक यू। करने जा रहा है, देखिए, जितनी भी हमारी सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुँचाए उन लोगों का चिन्हीकरण हो चुका है, और उन लोगों के खिलाफ जो नामजद हैं उनको हमने नोटिस भी जारी किए। कल 29 नोटिस जारी हुए एडीएम न्यायालय के स्तर से, और आज भी जिन लोगों की छत पर ईंट पत्थर ये सब का ढेर मिल रहा है, कल उनको चिन्हित किया गया, आज भी चिन्हित किया जा रहा है, उनको भी नोटिस हम लोग सर्व करेंगे, और उसके अलावा जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनके खिलाफ भी हम लोग नोटिस जारी करने की कार्रवाई कर रहे हैं, और उनसे जो वसूली होगी उनसे इन संपत्ति का नुकसान का भरपाई की जाएगी। इसके अलावा हम लोग जो अवैध असलाहधारी हैं या लाइसेंसधारी हैं इस क्षेत्र के, जिनका भी नाम इसमें आता है बवाल में, उनके लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी आज रिपोर्ट लेके कर रहे हैं, और गैंगस्टर की कार्रवाई भी उनके खिलाफ करेंगे। तो हमारा मेन यही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग रखें और स्थिति पर नज़र बनाए रखे हुए, और मौजूदा हालात अभी सामान्य है, मार्केट वगैरह सब खुला हुआ है। RBS भारत लाइव टीवी पर खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट दें।